नमस्ते, शुभ प्रभात। अभी सुबह 9:30 बज रहे और मैं नींद से उठी हूँ। आज 7 बजे उठ के सबसे पहले नहा लिया और उसके बाद मेरा घर का जो डेली रूटीन का काम होता है, सुबह का क्लीन अप करना, ब्रश करना और फिर भगवान जी को सेवा करना, तो मैं पूरा काम कंप्लीट कर लिया है और आ गई आज का ब्लॉग। यहीं से मैं शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। तो मेरा पूरा काम हो गया और देखिए रूम मेरा एकदम क्लीन है, किचन एकदम क्लीन है, लेकिन जस्ट मैं भगवान जी को सेवा किया है तो भगवान जी का सामान ही थोड़ा नीचे रखा हुआ है। तो पहले मैं भगवान जी का सामान ठीक ठाक जगह पर रख देती हूँ और उसके बाद कचरे का पैकेट जो होता है, कचरा मुझे बाहर रखना है। 9 से 10 बजे के अंदर आते हैं लोग कचरा लेने और उसके बाद मुझे नाश्ता बनानी है, किचन जानी है, लेकिन उससे पहले विंडो में थोड़ी सी जाके ताक झाक कर लेती हूँ। मुझे बाहर का नज़रिया देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए सब काम ख़त्म होते मैं लेट नहीं करती हूँ, बैठती नहीं हूँ, पहले ही नाश्ता कर लेती हूँ। चाय मैंने बिठा दिया, चाय बनते बनते मेरा छोटा मोटा जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, तब तक मेरा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा और मैं जल्दी से जल्दी बैठ जाऊँगी खाने के लिए। चाय, सूखा भेल, नीमकी, आज मेरा यही नाश्ता है। तो चाय नाश्ता मेरा रेडी टेबल पे रख दिया है और अब मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाना है। जो भी करूँगी पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। नीमकी चाय का कलर तो आज बहुत अच्छा है। चाय तो आज बहुत अच्छा है। डेली मेरे हाथ का चाय अच्छा बनता नहीं है, कभी कभी अच्छा बन जाता है, आज अच्छा बना है। नाश्ता हो जाने के बाद मैं मोबाइल में बैठी थी, छोटी मोटी काम रहता है मोबाइल में, वो मैं कर लिया है और उसके बाद सीधा सीधा आ गई मैं किचन दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो आज मेरा खाना तो इतना ज़्यादा हैवी कुछ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, एकदम वेज खाना। पहले सब एक खट्टा रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा, रेडी कर लेती हूँ तो फिर जल्दी खाना बन जाता है, नहीं तो कभी कभी मैं ऐसा करती नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। क्योंकि पपाया थोड़ा सा पक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब्जी मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा मीठा रहेगा। वैसे भी मैं सब्जी में थोड़ी सी मीठी डालती हूँ, लाल हो गया थोड़ा। तो दोपहर का खाना मैंने बिठा दिया, अभी 12:30 बज रहा है और बाहर अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ज़्यादा जोर शोर से नहीं हो रहा है। तो आज का खाना मैं एक बार दिखा देती हूँ। चावल को धोऊंगी और तुरंत मैं पानी में डाल दूंगी। पानी मैंने बिठा दिया है, इधर दाल बिठाया है और ये है सब्जी। तो इसको मैं अभी तक साइज़ नहीं किया है, पपाया, आलू, टमाटो और हरी मिर्ची। तो इससे मेरा आज खाना बनेगा
और पपैया बहुत दिन हो गया है फ्रिज में रखा हुआ था, तो थोड़ी सी ये लाल हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे इसका सब्जी बहुत पसंद आता है। और ये मैं सब्जी में थोड़ी सी मीठा डालती हूँ, तो इसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज मुझे। दाल बॉयल हो रहा है, चावल मैंने दे दिया है धो के, और अभी मैं सब्जी को साइज कर लेती हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, ज्यादा भूख लगी है क्या? ज्यादा भूख लगी है, बिस्किट देना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? पानी में मत फेंकना बिस्किट, पानी में फेंकेगा तो दोबारा मिलेगा नहीं तुमको। ले लो, उठा अभी, उठा उठा अभी, भाग लेके जा, भाग भाग। बहुत बदमाश है लोग, सब समझते हैं। दाल के अंदर मैं गर्म पानी डालूंगी, तो इसलिए गर्म पानी बिठा दिया है। मैं जो सब्जी बनाऊंगी, वेज सब्जी बनाऊंगी, और ये बड़ी, ये थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी तो सब्जी टेस्ट बनता है। इतना ही डाल सकती हूँ, ये भी ज़्यादा है, इतना ही डाल सकती हूँ। थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ और ये सब्जी में डाल दूंगी तो टेस्ट हो जाएगा सब्जी अच्छा वाला। तेज पत्ता, जीरा, अदरक पेस्ट, पपाया आलू, दोपहर का खाना मेरा आज है राइस, आलू भरता, पापड़ फ्राई, पपैया आलू की सब्जी, दाल और ये सूखा लाल मिर्ची फ्राई, ये आज मेरा लंच। दोपहर का खाना बन के रेडी भी हो गया और मैं खाने में बैठ गई, क्योंकि टाइम हो गया दोपहर खाने के लिए, 2 बज रहा है अभी दोपहर, और शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दाल में मैं कुछ ना कुछ सब्जी डालती हूँ, लेकिन आज भी मैं कोई सब्जी नहीं डाला, खाली दाल बनाया, चेक कर टेस्ट कैसा है।